हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार रास्ता लाइफ टीवी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीछे वाले वीडियो को देखते हुए आज हम फिर एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो अपने एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाते हैं। देखो, किसी भी एग्जाम में अपन कहीं नहीं पर एक रोग से संबंधित प्रश्न जरूर देखते हैं। मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के जो डिजीज है, रोग है, वह कहीं ना कहीं बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव है ना, इनको इनकी संरचना के आधार पर अलग अलग भागों में बांट रखा है, अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। जैसे सामान्यतः ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना, वो पूछे जाते हैं तो जीवाणु से संबंधित। दूसरा जो है वो है वायरस, जिसको अपन हिंदी में विषाणु कहते हैं। अच्छा, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया भी कहते हैं, बैक्टीरिया। इन दोनों के एग्जाम में खूब क्वेश्चन प्रचलित है। बहुत पर आता है कि निम्न में से जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है या निम्न में से विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। बच्चे कई बार इस प्रकार से कंफ्यूज होते हैं कि जीवाणु को वायरस बोलते हैं या बैक्टीरिया को विषाणु बोलते हैं। इस प्रकार से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वी फॉर वायरस और वी फॉर विषाणु, तो वायरस ही विषाणु है जबकि जीवाणु को अपन बैक्टीरिया बोलते हैं। तो दोगे आज अपन सबसे पहले बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। कई प्रकार के रोग अपने पास और भी होते हैं, जैसे कवक के द्वारा होने वाले रोग, जैसे परजीवी के द्वारा फैलने वाले रोग, जैसे आनुवंशिक रोग, या फिर विटामिन खनिजों की कमी के द्वारा शरीर में होने वाले रोग, उनकी सबकी चर्चा करेंगे। परंतु जो आज की क्लास है, आज का जो अपना टॉपिक है, वो जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले बहुत सारे रोग। चलो स्टार्ट करते हैं अपन जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। देखना, बैक्टीरिया का अध्ययन अपन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, या मैं बोल दूं उसको जीवाणु विज्ञान। तो बात एक ही है। तो जीवाणुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। अच्छा, अगला प्रश्न बनता है हाथर और बैक्टीरियोलॉजी, इसका जनक कौन है? तो याद रहे, बैक्टीरियोलॉजी का जो जनक है वह है ल्यूवेन होक नाम का वैज्ञानिक, ल्यूवेन होक। तो दो बातें याद रखें, जीवाणुओं का अध्ययन अपन विज्ञान की शाखा में करते हैं वो शाखा को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है, उस वैज्ञानिक का नाम है ल्यूवेन होक। देखिए, वैज्ञानिक बहुत सारे प्रचलित है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक इस टॉपिक से संबंधित जो चलते हैं उनकी थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद अपन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वैज्ञानिक लुईस पाश्चर, इससे संबंधित खूब क्वेश्चन अपने एग्जाम में पढ़ सकते हैं। देखो, वैज्ञानिक तो एक ही, लेकिन दो तीन क्वेश्चन इससे संबंधित चलते हैं, वो कौन कौन से हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो लुईस पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले याद रखना रोगाणु सिद्धांत दिया था। प्रश्न आता है रोगाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो याद है लुईस पाश्चर ने रोगाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। अच्छा, इससे संबंधित एक वैज्ञानिक कौन? लुईस पाश्चर से संबंधित एक रोग, इसने रेबीज के टीके की खोज की। याद रखना रेबीज का जो टीका है ना, वो किस वैज्ञानिक ने खोजा? तो याद है लुईस पाश्चर। बहुत बड़ा है रेबीज, विषाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है। इसकी चर्चा अपन जब करेंगे तो विषाणु के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे, परंतु रेबीज का जो टीका है वो किसने खोजा था? तो लुईस पाश्चर। एक बात तो याद रखना, दूध के पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक भी लुईस पाश्चर था। देखिए, दूध कुछ समय पश्चात खराब हो जाता है, तो उस दूध को लंबे समय तक चलाने के लिए दूध की एक प्रक्रिया की जाती है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं पाश्चुरीकरण। तो ये पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया है क्या? देखो, दूध को लगभग 30 मिनट तक, आधे घंटे तक, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके, ठंडा करके, गर्म करने के पश्चात उबाल करके, उसको फिर ठंडा करके थैलियों में जो पैक करके अपन मार्केट में जो दूध देखते हैं वो दूध पाश्चुरीकृत दूध होता है। और ये जो प्रक्रिया है ना पाश्चुरीकरण प्रक्रिया, ये लुईस पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने बताई थी। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया एग्जाम में आ चुकी है। और जो टीके से संबंधित टीके के प्रश्न खूब चलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो टीके का प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम खोजा गया टीका या किस वैज्ञानिक ने टीके की खोज की थी, ये प्रश्न बहुत बार आता है। तो याद है एडवर्ड जेनर,
एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले टीका खोजा था। अच्छा जो सर्वप्रथम टीका खोजा था एडवर्ड जेनर ने, वो टीका किसका था याद ये भी रखना है, चेचक का। किसका? चेचक का। इस बार को जिसको बोलते हैं चेचक, एडवर्ड जेनर ने इसका टीका खोजा था और सबसे पहले टीका यही खोजा गया था। अरे एक वैज्ञानिक का नाम और याद रखना, बहुत मैं तो नहीं दो चार वैज्ञानिक जो लिख रहे हैं, एक रॉबर्ट कोच नाम का वैज्ञानिक बोल रहे हैं, रॉबर्ट कोच ये भी व्यक्ति संबंधित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है। क्या इससे संबंधित प्रश्न कैसे आता है? देखो इस महाशय ने दो तीन बैक्टीरिया की खोज की थी, दो तीन जीवाणु की खोज की थी जो अपने शरीर में विभिन्न रोग फैलाते हैं, जैसे एक तो टीबी, एक भेजा और एक एंथ्रेक्स। टीबी, भेजा और एंथ्रेक्स, इन सबके जो रोगाणु है, रोगाणु का मतलब तो रोग को फैलाते हैं, इनके जो रोगाणु है इनकी सबकी खोज करने वाला वैज्ञानिक था रॉबर्ट कोच। तो क्या बेटा अपन इसके बेसिक की चर्चा कर रहे हैं, तो बैक्टीरियाओं के बारे में जिस विज्ञान में पढ़ते हैं वो बैक्टीरियोलॉजी, इसका जो जनक है वो डिवेन हो। तो वैज्ञानिक से संबंधित दो तीन क्वेश्चन करते हैं, दो तीन वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो लुईस पाश्चर, ये बैक्टीरिया से संबंधित है, इसे कई क्वेश्चन बनते हैं। लुईस पाश्चर ने रोगाणु से डाल दिया, लुईस पाश्चर ने रिलेटिविटी की खोज की, और लुईस पाश्चर ने ही दूध के पाश्चरीकरण की प्रक्रिया बताई। कैसे किया जाता है? आधे घंटे तक, 30 मिनट तक दूध को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, ये प्रक्रिया पाश्चरीकरण। अच्छा देखो टीके से संबंधित प्रश्न, ये बहुत प्रचलित है, सर्वप्रथम खोजा गया टीका या सर्वप्रथम टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर, इसका टीका था चेचक। और रॉबर्ट कोच का नाम भी जीवाणु से संबंधित है, इसने टीबी, हेजा और एंथ्रेक्स के रोगाणुओं को खोजा। देखिए अपन आगे बढ़ते हैं और अब अपन देखते हैं कि इसके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। पहली बात तो क्वेश्चन में रखता हूं कि मैक्सिमम स्थिति में क्वेश्चन किस तरीके का देखा जाता है, इसे समझ। सबसे पहली बात आपसे दो तीन तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है। पहली बात कि निम्न में से जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, इस प्रकार का क्वेश्चन, तो अपन को ऑप्शन मिलेगा, उनमें से कोई एक ऐसा रोग होगा तो बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, बाकी तीन वायरस के द्वारा या परजीवी के द्वारा, इस प्रकार के रोग अपने को ऑप्शन मिलेंगे। होने वाला रोग है या होने वाला नहीं, इस प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। दूसरा, रोग का नाम देगा अपन को कोई भी रोग, जैसे हेजा दे दिया और पूछेगा कि हेजा रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम अपन को पता होना चाहिए। तीसरा, जैसे रोग का दे दिया प्रश्न और कहता है कि बताइए हेजा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो अपन को ये दो तीन बातें अपन को इस प्रकार से चर्चा करनी है, इनों की चर्चा करनी है। मैक्सिमम स्थिति में देखकर रहने वाला प्रश्न यही है कि निम्न में से जीवाणु द्वारा होने वाला रोग या विषाणु की चर्चा करेंगे, विषाणु द्वारा होने वाला रोग, तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो अपन उनको किस प्रकार से हल करेंगे, उनको सबको अपन एक एक करके आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। बहुत सारे रोग है, रोग एक नहीं है, इसलिए इनको याद करने के लिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन बच्चों में बनी रहती है कि कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला है, कौन सा वायरस के द्वारा होने वाला है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा अपन लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, सब चीजें बैक्टीरिया से संबंधित बनने वाला एक का एक क्वेश्चन अपना क्लियर हो जाएगा। चलो बढ़ते आगे, तो एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा अपन बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों को चर्चा करते हैं, और ट्रिक इस प्रकार की कि ट्रिक की लाइन अपने को समझ में आनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आएगा, अगर लाइन अपनी याद रही तो रोग तो सारे याद हो ही जाएंगे अपने आप। तो देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक इस प्रकार से बनी है इसकी कि निमो ने गोटी को छट्टा सीडी पले करने को कहा, इस प्रकार से क्रिया होगा। क्या है? निमो ने गोटी को छट्टा सीडी प्ले करने को कहा, जो समझे तो दो नाम है, एक का नाम निमो एक का गोटी है, वो कहते हैं कि छट्टा नंबर का सीडी प्ले कर दो भाई। अब इसके अंदर कौन कौन से रोग चुके हैं देखे जा रहा, लेकिन निमो से बनाएंगे अपन निमोनिया, याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, तो अपने इस लाइन के अंदर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे।
नीमो से बना निमोनिया, गो से बनेगा गोनेरिया, टी से बनेगा टिटनेस, ओ से बनेगा कोड, छह से बना छह रोग, टा से बनाएंगे अपन टाइफाइड, सी से बनेगा सिफिलिस, डी से बनेगा डिप्थेरिया, प्ले से बनेगा प्लेग। इसको छोड़ देना आप करने को, और कैसे बनाओ काली खांसी, और हाथ से बनाएंगे अपन हैजा। इस प्रकार से ये सारे के सारे रोग आ जाते हैं इस एक ही ट्रिक में जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। क्या ट्रिक है भाई, दोबारा बोलना। निमो ने गोटी को छट्टा सिटी प्ले करने को कहा, याद कर लेना लाइन को। सारे रोग का अपना एक्सप्रेशन झंझट मिट जाएगा, रोग ही मिट जाएंगे रोग से संबंधित। क्या है देखो, निमो से बनाओ निमोनिया, गो से बनाया गोनेरिया, टी से बनाया टिटनेस, को से बनेगा कोड, छे से बनाया छे रोग, टा से बनाया टाइफाइड, सी से बनाया सिफिलिस, डी से बनाया डिप्थेरिया, पले से प्लेग, कैसे खाली खांसी, और हाथ से ये अपने रोग हो गए। जो पहला क्वेश्चन अपन बता रहे थे कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग का उदाहरण है, तो उसका निदान तो अपने पास प्रकार से हो गया। अब बहुत सारे ये जो रोग है, और इनमें से भी कुछ रोग ऐसे हैं जो बार बार देखने को मिलते हैं। अपन ने 10-12 रोग कर दिए हैं, परंतु इनमें से 5-7 रोग ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबकी डिटेल अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखने के लिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं निमोनिया। सबसे पहली बात आपसे प्रश्न पूछ ले कि निमोनिया किसके द्वारा होता है, तो अपने ये तो बात अपन ने देख ली कि ये सारे रोग जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दूसरी बात, निमोनिया किस बैक्टीरिया के द्वारा, किस जीवाणु द्वारा फैलता है, तो याद रखना निमोनिया का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और सभी प्रचलित है, सभी जानते हैं निमोनिया के बारे में कि निमोनिया सामान्यतः बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो थोड़ा कमजोर होता है, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, तो उनको साधारण खांसी जुकाम ही हो जाती है। साधारण सर्दी में भी उनको जुकाम लगना स्टार्ट हो जाती है, मतलब श्वास में दिक्कत होने लग जाती है। कहने का मतलब ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो है ना, वो फेफड़ों को प्रभावित करता है, मैं ऐसे कहूँ श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, तो भी बात एक ही, फेफड़े और श्वसन तंत्र, या वैसे हम फेफड़े श्वसन तंत्र का भाग है। तो प्रश्न आता है कि निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो अंग का नाम याद रखना फेफड़ों को प्रभावित करता है। पहलो नहीं तो कौन है निमोनिया। इसके पश्चात गोसे अपने बनाया था गोनेरिया, गोनेरिया तो याद रखना गोनेरिया रोग को सुजाक भी कहते हैं, सुजाक। और इसका जीवाणु तो है ना, वो है नाइसेरियाई गोनेरियाई। देखिए बैक्टीरिया के नाम सबके अटपटे हैं, लेकिन एक को भी रटने की आवश्यकता नहीं है, एक को भी हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं वैसा रोग है, वैसा का वैसा जीवाणु का नाम आपको तो मिलता जुलता मिलेगा, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये याद हो गया कि निमोनिया किससे होता है, बैक्टीरिया से, तो अपन ट्रिक बता रहा है। गोनेरिया किससे होता है, बैक्टीरिया से। इस प्रकार से तो इनके तो जीवाणु है ना, उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो निमोनिया तो इधर निमोनिया, गोनेरिया इधर गोनेरिया, तो ये इस प्रकार का रोग है जो अपने शरीर के जनन अंगों को हिट करता है। तो इस रोग से जननांग प्रभावित होते हैं, जनन अंगों के ऊपर है बहिन दालिका रवे बन जाना, कुंडली आना, इस प्रकार का रोग होता है, वो उसको बोलते हैं गोनेरिया। तीसरे बनाए टिटनेस, तीसरा रोग टिटनेस तो कौन है, टिटनेस। देखिए इस रोग के अंदर मांसपेशियां ऐड जाती है, धनुष के समान टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं हाथ के, तो इसलिए इस रोग को धनुष्टम भी कहते हैं, धनुष्टम। और इसका जो जीवाणु है ना, वो है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, टिटेनी। फिर वही बात, रटना नहीं है, टिटनेस टिटेनी आ गया है, तो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नाम का जो जीवाणु है वो शरीर में टिटनेस रोग को फैलाता है। और इस रोग से होता क्या है कि शरीर के जो मांसपेशी है वो एड जाती है,
कहने का मतलब अपना कंट्रोल उस चीज पे खत्म हो जाता है और शरीर का नियंत्रण कंट्रोल करने का कार्य जो है ना वो अपना तंत्रिका तंत्र करता है। तो इस रोग से जो प्रभावित होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ठीक, एक रोग और देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। कोष से बनाएंगे कोड, कोड रोग, या इसको ही कुष्ठ रोग भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको लेप्रोसी कहते हैं। तो इसका जीवाणु का नाम देखते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो लेप्री से बना लेप्रोसी। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु। ऐसा छोटा जीवाणु उसका नाम लेप्री है जो कि कोल या कुष्ठ रोग को फैलाता है। इस रोग के अंदर क्या होता है कि संपूर्ण शरीर पर फोड़े पुंजे हो जाते हैं, तो इससे पूरी पूरी त्वचा इफेक्टिव हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो पूरे शरीर के ऊपर फोड़े पुंजियों का होना कोल या कुष्ठ रोग कहलाता है। तो इस रोग को आजकल ऐसे रोग कम देखने को मिलते हैं, आजकल फोड़े पुंजे सामान्य तो होते नहीं है, क्योंकि इसका कारण है कि आजकल लगभग रोगों के टीके जो वैक्सीन है ना वो ईजाद कर लिए गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है कि कोल रोग में किसका टीका लगता है, याद रखना बीसीजी का टीका इस रोग के अंदर लगता है, जिससे इस प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलता है। हाँ, अब अगला देखते हैं, पांचवा नंबर का जो रोग था अपना वो है छह से बनाया था अपने छह रोग। देखिए इस रोग को तपेदिक भी कहते हैं, तपेदिक। और ये जो रोग है ना वो ज्यादातर प्रचलित है टीबी के नाम से, टीबी। तो देखना छह रोग हो, तपेदिक हो, टीबी हो, बात एक ही है। अब इसका जो टीबी नाम है वो इसके बैक्टीरिया के कारण है। तो आपसे बार बार आता है, सबसे ज्यादा तो बार पूछ जाने वाले कुछ नहीं मान लीजिए बैक्टीरिया में, कि टीबी का जो जीवाणु है ना उसका नाम क्या है। तो याद रखो माइक्रोबैक्टीरियम, वही बात, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस ये बन गई टीबी, टीबी ट्यूबरक्लोसिस। तो इसके नाम से ये बना है। तो छह रोग हो, तपेदिक हो या टीबी हो, इसके जीवाणु का नाम एक्जिमा की स्थिति में आता है। तो याद रखना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के जीवाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है ये लोग। अच्छा सुनो, टीबी से होता क्या है कि बार बार खांसी आना, इस प्रकार के लक्षण अपन टीवी में देखते रहते हैं, खूब इसके बारे में एड भी आते हैं। ये एक भयंकर रोग था, ऐसा रोग होने की स्थिति में था ये वाला रोग। इसका इलाज मतलब इस प्रकार से आज के समय जो कोरोना वाली स्थिति बन रही है, कई समय पर स्त्रियों में प्रकोप इसी प्रकार का था। ये रोग संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर खांसने पर छींकने पर इस प्रकार से ये भी रोग कहता था। तो इस रोग से अपने शरीर का श्वसन तंत्र, जिस प्रकार से कोरोना में भी यही इफेक्ट है, श्वसन तंत्र, श्वास लेने में दिक्कत आने लगती है, तो इस रोग से श्वसन तंत्र जो है ना वो अपना प्रभावित होता है। अब बार बार खांसी आना, दो महीने से अधिक खांसी रहना, इस प्रकार के रोग के लक्षण है। तो खांसी तो अपने नॉर्मल होती रहती है, तो फिर क्या पता चले कि नॉर्मल खांसी टीबी है या नहीं है। तो इस रोग का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो इस रोग का जो टेस्ट है ना वो है मोंटेक्स टेस्ट, मोंटेक्स। इस टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाता है कि बंदा टीबी से ग्रसित है या नहीं है। देखिए आज के समय इस रोग के वैक्सीन वगैरह, दवाइयां वगैरह सब सरकार ने मुक्त कर रखी है, इसलिए इस रोग का प्रकोप अब पहले इतना रहा नहीं है। तो आने वाले समय में, और अपन आशा करते हैं कि बहुत जल्दी इस कोरोना का भी इसी प्रकार का इलाज आ जाए, ताकि ये जो महामारी है इसे जो पूरा विश्व है वो उभर सके, आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो छह रोग हो, तपेदिक हो, टीबी हो, बात एक ही है। प्रश्न आता है बार बार, जीवाणु का नाम है वह है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, श्वसन तंत्र इस रोग से प्रभावित होता है, और बार बार खांसी आती है, तो खांसी का जांच कराने के जांच के द्वारा पता चल जाता है अपने को, बलगम की जांच के द्वारा पता चल जाता है कि व्यक्ति टीबी से ग्रसित है कि नहीं। इसके लिए मोंटेक टेस्ट चालू किया जाता है, या मोंटेक नाम का टेस्ट चलता है, उस टेस्ट से इसका पता चलता है। अच्छा, दुनिया में इसके रोगी बहुत है और लोग इससे मतलब ज्यादा प्रभावित नहीं और घबराहट नहीं, इसलिए जागरूकता के लिए लोगों में एक दिन को टीबी दिवस के रूप में घोषित कर रखा है। तो याद रखना टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च, 24 मार्च को टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक रोग हो गया,
छह नंबर से था अपना टाइफाइड, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ये देखो छह रोग और टाइफाइड दोनों बड़े महत्वपूर्ण हो गए एग्जाम की दृष्टि से, बड़े महत्वपूर्ण है। टाइफाइड में क्या पता, देखो टाइफाइड को अपन मोती द्रव भी कहते हैं, अपनी भाषा में बोला निकले हो भाव निकलना, वही रोग है मोती द्रव। और इस रोग में क्या होता है कि जब व्यक्ति एक बार इसकी चपेट में आता है तो कई दिनों तक वो बुखार से पीड़ित रहता है, सुबह शाम उसको बुखार आना, हाथ पैरों का दुखना, जोड़ों में दर्द रहना, इस प्रकार के लक्षण इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इसके अंदर लंबे समय तक बुखार रहती है, तो जो लंबा समय उसको बोलते हैं मियाद, और बुखार है तो मियादी बुखार, मियादी बुखार। तो देखो टाइफाइड, टाइफाइड को बोलते हैं मोती द्रव, लंबे समय तक बुखार रहती है इसलिए मियादी बुखार। और जिसका जो जीवाणु है ना वो जाकर के अपनी आंत में लगता है, और भोजन के पचाने के लिए छोटी आंत सर्वोत्तम उपयुक्त जगह है, वहीं पर भोजन का पूरी तरीके से पाचन होता है। एक प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है, पढ़ेंगे जब अपन पाचन तंत्र पढ़ेंगे कि भोजन का पूर्ण पाचन किस पार्ट में होता है, छोटी आंत में, और उस छोटी आंत में ही जो टाइफाइड का जीवाणु है वो जाकर के लग जाता है, इसलिए इस रोग को आंत्रश्वाद भी कहते हैं। और क्या कई नाम होंगे भाई, टाइफाइड, मोती द्रव, लंबे समय तक बुखार के नियमित बुखार, बैक्टीरिया है जो जाकर के आंत में लगता है, इसको आंत्रशोथ भी कहते हैं, तो आंत्रशोथ इसी रोग को कहते हैं। अच्छा वो कौन सा बैक्टीरिया है जो आंत में जाकर लगता है, तो टाइफाइड का जो जीवाणु है बैक्टीरिया है वो कौन सा है, तो याद रखना साल्मोनेला टाइफी, दोनों ही बैक्टीरिया महत्वपूर्ण है, टीबी वाला भी और टाइफाइड वाला भी, दोनों रोग बड़े महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। साल्मोनेला टाइफी, फिर मैं कह रहा हूँ एक का भी जीवाणु का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि सर इतने बड़े बड़े नाम हमारे कैसे याद रहेंगे, एक है नहीं बहुत सारे रोग है, इसी प्रकार से बहुत सारे वायरस है, तो किसी का भी याद मत रखो, उससे संबंधित नहीं है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस जिसे नाम पड़ा, टाइफाइड याद है टाइफी, तो हिंट अपने को मिलता रहेगा, ऑप्शन में एक ही मिलेगा इस प्रकार का साल्मोनेला टाइफी, बाकी जैसे टाइफाइड का आ गया दूसरा इसका जीवाणु आ जाएगा, निमोनिया वाला लिखेगा, मलेरिया वाला लिखेगा, जिस पर टाइफी मिला वही टाइफी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बार बार बुखार रहती है तो बुखार तो नॉर्मल इस प्रकार से भी हो जाती है, क्या पता चले कि अपने टाइफाइड से ही ग्रसित है, तो इसके लिए भी एक टेस्ट चलता है विडाल टेस्ट, और विडाल टेस्ट के द्वारा पता लगा लिया जाता है कि व्यक्ति टाइफाइड से ग्रसित है या नहीं है। तो इस रोग के अंदर जो प्रभावित है वो देखो आंत्रशोथ, आंत्रशोथ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे प्रभावित जो होते हैं ना वो अपनी आंत होती है, प्रभावित अपनी बड़े महत्वपूर्ण रोगों में से बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों में दोनों रोग बड़े महत्वपूर्ण हैं। आगे और देखते हैं, दो चार रोग और बच रहे हैं उनकी भी चर्चा करते हैं, उसके पश्चात अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो सीसे सिफिलिस, सिफिलिस जो रोग है वो भी अपने जननांग को प्रभावित करता है, इससे जननांग प्रभावित होता है। इसी प्रकार से डी से बनाया डिप्थेरिया, डिप्थेरिया और डिप्थेरिया जो रोग है वो अपने श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण रोग है वो है प्लेग, प्लेग से बनाया अपने प्लेग, प्लेग रोग का नाम आते दिमाग में आता है कि प्लेग भी एक प्रकार की महामारी, और इस महामारी को फैलाने वाला जीवाणु था ना वो था पास्टुरेला पेस्टिस, पास्टुरेला पेस्टिस याद रखना, पास्टुरेला पेस्टिस नाम के जीवाणु के द्वारा एक प्रकार की महामारी जिसको अपन प्लेग रोग नाम दे रहे हैं वो फैली थी बहुत भयंकर तरीके से। और ये जो जीवाणु है ना वो अपने पूरे के पूरे शरीर को चपेट में ले लेता है। इस रोग में तेज बुखार आना, जोड़ों में दर्द रहना, इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं, कहने का मतलब संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित हो जाता है। ये जो रोग है ये इसके ऊपर चूहे के ऊपर एक परजीवी पाया जाता है, चूहे पर पिस्सू नाम का परजीवी, उसके द्वारा ये कहता है, ये भी याद है। अच्छा प्लेग के बाद में अपने कैसे काली खांसी, और आप सभी जानते हो कि काली खांसी जो रोग है वो शरीर को खांसी से संबंधित है, तो ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, इनमें ये प्लेग रोग महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। बाकी नॉर्मल अपने आप जाते रहते हैं तो सिफिलिस, डिप्थेरिया, काली खांसी सभी बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। अपना एक लास्ट रोग है हैजा, बड़ा महत्वपूर्ण रोग है और इसके एग्जाम में खूब क्वेश्चन प्रचलित है, देखो क्या कहते हैं
लॉजिक क्या रहेगा? पहली बात है, हैजे का जो तो जीवाणु है वो कौन सा है? हैजे का जो तो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा तो हेजाइन जी करके कई बार कोलेरा भी लिख देता है, याद रख लेना। तो कोलेरा रोग आ जाए तो भी हेजाइन संज्ञा, इसके जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरा। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, और ये विब्रियो कोलेरा नाम का जीवाणु भी अपनी छोटी आंत में जाकर के लगता है। तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अपनी आंत इस रोग से प्रभावित होती है। सामान्यतः ये जो रोग है वो दूषित जल के पीने से फैलता है, दूषित जल का सेवन करने से ये रोग फैल जाता है। और आंत के अंदर भोजन का पाचन का कार्य होता है, तो पाचन जब सही तरीके से नहीं होता है तो अपने को इस प्रकार की जैसे वोमिटिंग है, जैसे डायरिया है जिसको अपन दस्त बोलते हैं, ऐसी समस्याओं से व्यक्ति को ग्रसित होना पड़ता है। उल्टी दस्त की समस्या जिसको अपन साधारण लोग बोलते हैं, तो उल्टी दस्त की समस्या से जब व्यक्ति ग्रसित होता है तो ऐसी स्थिति में शरीर में जल की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, और जल की कमी होने को अपन बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो इस रोग में शरीर में जल की कमी हो जाती है, जल की हो गई बहुत ज्यादा कमी, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया। और इस जल की कमी को पूर्ति करने के लिए सरकारी हॉस्पिटलों में ओआरएस घोल के नाम से जो मुफ्त दवा दी जाती है वो इस रोग में थोड़ी बहुत निजात देती है। क्या है ओआरएस? तो ओआरएस होता है ओरल रिहाइड्रेशन। देखो डिहाइड्रेशन का रिहाइड्रेशन वापस जल की पूर्ति, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन घोल, ये ओआरएस के द्वारा शरीर में जल की पूर्ति हो जाती है। ओआरएस को अपन घर पे भी बना सकते हैं। किस प्रकार से? जल को गर्म करके उसमें 4 चम्मच चीनी की और 1 चम्मच नमक की मिला करके इस प्रकार से जो घोल अपन तैयार करते हैं उसको अपन ओआरएस बोलते हैं। तो ओआरएस में चीनी और नमक का अनुपात, चीनी की मात्रा 4 भाग और नमक की मात्रा जब 1 भाग मिला करके गर्म पानी में मिला करके उसको ठंडा करके उबाल करके छान करके जब अपन इसको पीते हैं तो ये ओआरएस है जो जल की शरीर में कमी को पूर्ति करता है। तो इस प्रकार से अपना ये हेजा रोग भी कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ अपने जीवाणु के द्वारा होने वाले लगभग रोग कंप्लीट होते हैं। इनमें जो बड़े महत्व मतलब कुछ ही है, 2-4 जो बार बार रिपीट होते हैं। आप पुराने जितने भी आपके पास पेपर है या जितने भी मॉडल पेपर है उनमें आप उठा के चेक करना इनमें से कौन कौन से रोग ज्यादा रिपीट होते हैं। टिक्कर लगा दोस्तों, निमोनिया, इसके अलावा टिटनेस, इसके अलावा 6 रोग और टाइफाइड, दोनों बड़े महत्वपूर्ण है। 6 रोग और टाइफाइड दोनों बड़े महत्वपूर्ण है, और प्लेग एक इधर से, और हेजा अति महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण में टाइफाइड, 6 रोग, हेजा और इधर से एक फिटनेस रोग, इस प्रकार के रोग बड़े महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपने बैक्टीरिया को कंप्लीट किया है। आगे के वीडियो को आप प्राप्त करने के लिए ऐसे ही वीडियो आप और देखोगे सबके सब अपन आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो आगे के वीडियो जितने भी आप प्राप्त करना चाहते हो तो अपने YouTube चैनल को लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने कैंडिडेट के पास, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच चुके और वो इसका खूब लाभ ले सके। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।